चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा धाबाई आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आम का अमृत बताने जा रही हूँ। आम को फलों का राजा कहते हैं और गर्मियों में आम का अमृत अगर पूरी पराठे के साथ मिल जाए तो फिर क्या कहने। इसके लिए मैंने एक आम लिया था जिसके मैंने इस तरह से बारीक बारीक पीसेस कर लिए हैं। एक गिलास दूध लिया है, ये मैंने इलायची पीस के रख ली है और अब हम टेस्ट के अनुसार इसमें हम चीनी डाल देंगे। तो सबसे पहले हम जो ये आम है इसको हम इसमें डाल देंगे ताकि इसे अच्छे से हम ग्राइंडर कर लें। ये इसमें मैंने डाल दिया है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसी में हम चीनी भी डाल देंगे। इसमें हम चीनी डाल देंगे। अब चीनी अपने स्वाद अनुसार आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें 5 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। फिर हम इसको इससे चला लेंगे। ये मैंने इसको बढ़िया देखो इस तरह से कर लिया है और इसमें अब हम दूध डाल देंगे। और दूध भी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको इसे गाढ़ा रखना है तो आप इस तरह से गाढ़ा रखिए, अगर आपको पतला करना है तो आप दूध ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब हम इसमें ये इलायची भी डाल देंगे। और ये आमरस बनके तैयार है और इसमें हम ऊपर से बर्फ के पीसेस डाल देंगे। और ये आमरस बनके तैयार है। ये आप पूड़ी पराठे के साथ ट्राई करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा धाबाई, धन्यवाद।